अभी हम सीखेंगे ट्रेस करने का सही तरीका। आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमने दो दो क्लिप आर्ट को पहले से ही ट्रेस करके रखा है, और इस पे मैंने अलग कलर कर दिया है। इस पेज का कलर मैंने चेंज करके रखा है ताकि आपको पता चले कि मैंने जो इमेज रखा है वो ट्रेस हुआ पड़ा है। ओके, पिंक कलर के ऊपर मैंने पिंक कलर रखा है ताकि आपको पता चल सके कि ये ट्रेस्ड इमेज है। इसको मैं छोटा करूं या फिर बड़ा करूं, इसका क्वालिटी लूज नहीं होने वाला है। प्लस इसका मैं कलर भी चेंज कर सकता हूं, यहाँ आप भली भांति देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि ये ट्रेस्ड इमेज है। तो ऐसे ही मैं आपको बताने वाला हूं कि ये काम हम कैसे करेंगे। सेम वे ये भी हमारा ट्रेस किया हुआ इमेज है, मैंने इसका भी कलर आपको चेंज करके अभी दिखा दिया। ओके, तो अब चलिए हम एक नया इमेज ट्रेस करते हैं। तो पहले उसे लाते हैं अपने स्क्रीन पे। तो हमारे पास और भी इमेजेस हैं यहाँ पे, और इस इमेज में से आप देख सकते हैं, सॉरी ये इमेज नहीं है, ये इमेज मैं गिव अवे के लिए रखा हुआ हूँ। अगला गिव अवे, वो मैं बताऊंगा कि गिव अवे कैसे होता है, अगर मुझे समय मिला तो इसी वीडियो में बता दूंगा। जो चार इमेज में हम ट्रेस करने वाले हैं वो सब यहाँ पे है दोस्तों, जिसमें से कि ये इमेज ट्रेस हो चुका है। अब यहाँ एक दीपक है जिसे हम अभी ट्रेस करने के लिए आपको बताएंगे। इसको लाना है अपने कोरल ड्रॉ में। कोरल ड्रॉ का फाइल को आप छोटा कर ले या फिर उस साइज में कर ले जहां आप, मैंने एक सही पोजीशन में इसे रख दिया। ये आप देख सकते हैं ये एक बिटमैप इमेज है, मतलब ये पीएनजी भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पीएनजी नहीं है। और मैं इसे अभी ट्रेस करने वाला हूं। तो यहाँ जो ट्रेस बिटमैप लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे और आउटलाइन ट्रेस में जाएंगे। आउटलाइन ट्रेस में क्लिक करने के बाद क्लिप आर्ट में क्लिक करेंगे, ये वाला ट्रेसिंग ऑप्शन में चूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है रिड्यूस करेगा बिटमैप। ओके, हाँ ये वाला को ओके करना है। आपको मैं बता दूं कि वो ऑप्शन यही था। ये क्या होता है कि यहाँ जो आउटलाइन क्लिप आर्ट, यहाँ से आप देख सकते हैं अलग अलग फिर से चीज चूज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि पहले से बने बनाए अलग अलग सेटिंग रहते हैं, किसी में टिक अनटिक किया हुआ है, नोट्स का संख्या देख सकते हैं, ये मायने रखता है। मैं अक्सर अपने डिजाइन में कम से कम नोट्स रखता हूँ। कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं जो भी चीजें बोलने वाला हूँ सब इम्पोर्टेंट है, आपका काम आने वाला है। तो अभी देखने वाला है वाले हैं इस पे कि मैंने यहाँ पे जो देख रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट है, चेकर्स जो दिख रहा है ये इस पास उस पास दिख रहा है, लेकिन यहाँ व्हाइट भी हो रहा है। अगर मैं व्हाइट को भी अगर हटा दूं तो नोट्स का संख्या और भी कम होगा, इससे हमें फायदा है। तो उसे हटाने के लिए रिमूव कलर फ्रॉम इंटायर इमेज कर देते हैं गाइस। इस पे क्लिक करने के बाद ये हट गया और नोट्स का संख्या और भी कम हो गया। अब अगर हमारे ये फाइनल आउटपुट सही है तो ठीक है, नहीं तो इसमें से कुछ भी डिटेल्स बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। फिर मैं डिटेल्स बढ़ाकर देखता हूँ। तो ये प्रोसेसिंग फिर से चला और ये डिटेल्स बढ़ गया इस पे, लेकिन मुझे उतना भी डिटेल्स नहीं चाहिए, थोड़ा कम ही डिटेल्स हो तो ज़्यादा अच्छा। कभी कभी होता है ज़्यादा डिटेल्स लेने के चक्कर में आपके कर्व्स खराब हो जाते हैं। ओके, कॉर्नर्स आ जाते हैं। स्मूथनेस है, कॉर्नर स्मूथनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, स्मूथनेस थोड़ा और करने की कोशिश करते हैं। कॉर्नर स्मूथनेस इतना में ठीक है गाइस। ओके, और ये 468 इतना में है हमारा नोट्स है, बहुत ही कम नोट्स में मेरा ये डिजाइन फाइनल होकर के मिलने वाला है। ओके कर सकते हैं। अच्छा, कभी आपने सुना है कई लोग करते हैं क्विक ट्रेस। क्विक ट्रेस क्या होता है दोस्तों, ये मैं दिखा देता हूँ। यहाँ ऑप्शन में जाइए, ये देखिए पावर ट्रेस में जो है क्विक ट्रेस का जो मेथड है वो लास्ट यूज्ड वाला यूज करता है। अभी जो मैं यूज करने वाला हूँ, मैं फिलहाल इसे यहाँ कैंसिल करता हूँ। अभी जो मैं इसे यूज करने वाला हूँ ये चला गया इसका मेमोरी में, या फिर समझ लीजिए कि ये मैंने लास्ट जो ट्रेस यूज किया है मेथड वो क्लिप आर्ट में, क्लिप आर्ट का मेथड यूज किया है, जो वाला सेटिंग यूज किया है, अगर वही मेथड को यूज करेगा तो क्विक ट्रेस करेगा। क्विक ट्रेस करके देखते हैं भाई इसे। ओके, ये कोई ऑप्शन नहीं पूछने वाला। क्विक ट्रेस क्या होता है कि जल्दी में आपको आउटपुट दे देता है। तो मैंने इसे किया, थोड़ा बहुत हैंग ना हो जाए भाई, ये निकाला अपना आउटपुट। क्विक ट्रेस बार बार अलग अलग ये देता है। तो ये आउटपुट जो दिया इसमें देखिए,
इसमें व्हाइट कलर्स को भी ट्रेस कर लिया है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। ओके, उससे अच्छा है कि हमारा जो ऑप्शन से जो हमने ट्रेस किया वो ये वाला सही है। ओके, इस पे भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो गाइज ये बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। तो अगर आप समझ गए हैं कि ट्रेस कैसे करेंगे तो बस फटाफट ट्रेस कीजिए। हम आपको ये फाइल देने वाले हैं, अभी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके। लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि डिजाइनर डेन के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको धमाकेदार कंटेंट यहाँ मिलता है। दोस्तों इससे भी अच्छी अच्छी फाइल को गिव अवे भी किया जाता है, उस पर पार्टिसिपेट कीजिए, 100% आपको फाइल मिल जाएगा आपका ईमेल में। ये पार्टिसिपेशन आप लैपटॉप के मदद से कीजिए। आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए designerden.in के गिव अवे मेन्यू में जा करके पार्टिसिपेट करना है, और आपको वहाँ पे जो भी गिव अवे चल रहा है वो आपको मिल जाएगा वो फाइल फ्री में। और रही बात इस फाइल की, तो इस फाइल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं गाइस। आपका सपोर्ट हमें चाहिए।